फारूक पूरा वजह क्या सके मैंने वीडियोज़ में कहा था पिछले ब्लॉग में क्या अगर दो ही दिन धूप निकलेगी तो गिलास जो है मतलब चरी जो है वो अपना कलर जो है तेजी से बदलेगी और आप देख सकते हो हलो असल त्रीशीन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि आप लोग सुबह अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे तो गाइज आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं सो जैसा कि आपको पता है कि अब मौसम ठीक हो चुका है और मैंने आपको बोला था कि एक ब्लॉग में कि मुझे जो है अपनी शीप्स जो है उनको नहलाना है अब तो बटन फ्लोर भी बन चुका है सो आप शिप्स को नहलाएँगे और फारुख ने आज उनको नहलाया था सुबह सो so, आज वो धूप धूप सेक रहे थे दिन भर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ग्रीनरी देखिए और आप पहले इस ग्रीनरी का शेडो देखिए माशाल्लाह सो so, फारूक ने उनको नहलाया था और फिर दिन भर वो धूप सेक रहे थे और हमने जो दवाई का पानी होता है ना मतलब उसमें भी उनकी मतलब उनको जो है वो नहलाया था हा तो अब साफ है अब धीरे धीरे आप भी देखोगे देखिए जब बटन फ्लोर नहीं था तब हमारे शीप्स कमज़ोर होते थे दिन ब दिन क्योंकि मैल उतना चढ़ता था और वो वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखते थे एजन नो के अगर कोई भी शीप हो कितना ही अच्छा शीप हो और अगर मतलब वो गंदा हो फिर वो वीडियो में अच्छा नहीं दिखता और अगर साफ शीप हो ना तो वीडियो में बहुत ज़बरदस्त दिखता है सोशा साफ शिप जो है वो सिर्फ बटन फ्लोरिंग से रहता है बटन फ्लोर अगर आपके फार्म पे हो तो साफ शिप जो है वो बटन फ्लोर पे रहता है तो दैट्स दैसवाई हमने इतना खर्चा करके जो है वो बटन फ्लोर बनाया और फार्म पे यार बहुत ख़र्चा आया कसम से अब जो है ख़र्चा बंद और अब सिर्फ फोकस करेंगे अपने माल पर और जितना भी हो सके हम अच्छे से अच्छा माल जो है वो कोशिश करेंगे इंसान तक सिर्फ कोशिश है बाकी अल्लाह तला जो है वो देता है तो हम भी कोशिश करेंगे और अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है यहाँ से बहुत ज़बरदस्त और आप देख सकते हो माशाल्लाह ऐसी ख़ूबसूरती जगह पे यार ख़ूबसूरत जगह पे रहता हूँ इतनी ख़ूबसूरत जगह ये अल्लाह हमें नवाज़ा है इससे और जितना भी शुक्र करे ना अल्लाह का जितना भी शुक्र करे वल्ला ही कम है जितना भी शुक्र करे अल्लाह का कम है मतलब ऐसी नियामत से बख्शा यार ये नियामत ही है और बहुत ही बढ़िया नियामत है बहुत ही बड़ी नियामत है अच्छी नियामत है और जैसा कि आपको पता है ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह नूरामबादी वाल अल्लाह ताल ज़मीन और आसमानों का नूर है और ऐसी ऐसी जगह देख के ऐसे एनवायरनमेंट देख के इंसान को लगता है कि भाई सच में तो अभी चलते हैं तो अभी आप देखिए माशाल्लाह ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर तरफ जो है वो दिखाई दे रही है माशाल्लाह और जबरवान हिल्स माशाल्लाह और यहां से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा और यहाँ पे जो है वो जंगली जानवर का खौफ भी रहता है या बालू वगैरह सोया सोए हुए होते हैं तो इस यह, इस यहाँ इस जगह से वो दूर ही रहना चाहिए हम जब भी हम बेडों को यहाँ पे ग्रेजिंग करवाते हैं तो सब पहले हम जो है वो कोई पत्थर वग़ैरह चार पांच इसमें लगाते हैं ताकि अगर कोई जंगली जानवर हो तो वो भाग जाए या कोई अपना आवाज़ वगैरह मारे तो हम भी जो है वो अलर्ट रहे तो भी फारूक जो है वो ग्रेजिंग करवाने गया है तो उसने मुझे बोला था जब आप आओगे तो मुझे कॉल कर लेना तो पहले जो है उसे कॉल करते हैं

मैं कहता आया था कि जो गंदे शिप्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं दिखते अब आप देखें वीडियो में भाई कितने अच्छे दिखते हैं सो so, हमारे जो फेसबुक हमारे जो फेसबुक एक्सपर्ट्स थे वो नहीं मान रहे थे और आप रिज़ल्ट अभी देख सकते हो माशाल्लाह। यू कैन सी यू कैन सी नाउ को धोने में भी भाई बहुत मेहनत लगती है बहुत मेहनत मेहनत का काम है अभी भी तीन ऐसे शीप है जो अभी दोए हुए नहीं है कल दोएगा फारो उन्हें सो बहुत मेहनत का काम है शीप फार्मिंग बस लोगों को लगता होगा बेड पालना बस बेड निकाले इनको ग्रेजिंग करवाए बस ये बेड पालना है भाई ये बेट हुआ उसको फार्मिंग नहीं कहते फार्मिंग में बहुत सारा जो है वो एक्टिविटीज़ होती है वो सब एक्टिविटीज़ जो है वो करने होते हैं बस ऐसे ही शीप फार्मिंग नहीं करनी पड़ती कि उठाए और ग्रेजिंग के लिए गई शीप फार्मिंग मतलब उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और वो डेली एक्टिविटीज़ जो है वो करनी पड़ती है और वो एक्टिविटीज़ करके मज़ा आता है ये परसों का बच्चा है आप देख सकते हो और ये भी मैरिनो है वैसे तो हमारे जितने जितना भी फ्लॉक है ना हमारा ये सब मैरिनो है प्लान मैरिनो कुछ क्रॉसड है लेकिन कुछ प्लेन्स है कुछ मतलब कॉरिडियल और या यह मैरिनो के क्रॉस है कुछ सिंपल मैरिनो है यानी प्लेन मेरिनो है और कुछ जो है रिंकलर्ड ऐसे हैं और ये आप देख सकते हो ये रिंकलड है और एक दो हमारे पास और है जो टाइगर है वो नेक रिंकल है और उसके अलावा दो चार हमारे नेक रिंकल है वो छह साव कितना खावान ये बचा जंग मुझे बोन असल है जी आप ये जो ये वाली जो देख रहे हो ना ये दो मंथ की है अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखिए आप देखिए इसकी ग्रोथ ये बहुत अच्छी है और ये भी अच्छा है और ये भी दो मंथ का है ये ये सिंपल मैरिनो है और ये नहीं है ये सो लाकटिक उस तमाम होती है ना लैम्बिंग तो लैम्बिंग से आपको जो मतलब रिज़ल्ट होते हैं ना वो सेम नहीं होते अगर मतलब तो रिंकल्ड आसो या प्लेन मैरो आइस वो प्लान मैरिनो जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है वो भी आते हैं और जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है वो भी आते हैं तो आ, मतलब आ, हर किसी सिचुएशन में जो है हर किसी सिचुएशन में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए आप वो वाला देखिए ये बीस दिन का है अभी माशाल्लाह और मैं इसकी बात अभी कर रहा था वाइट फेस ऐसी बात नहीं है भाई हमारे फार्म पे भी है बस ये कमज़ोर माल था जब आप लोगों ने देखा तो उस टाइम मैंने बोला था ग्रेजिंग से होता है लेकिन आप लोग नहीं मार रहे थे इसके बारे में भी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में भी आप और वस्ता आ गया जिसने हमारा बटन फ्लोर बनाया अभी शायद नज़र देने आया होगा कि कैसा चल रहा है माल इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वस्ता अभी फार्म पे नज़र देने आ गया कि माल ठीक है बटम फ्लोर ठीक है

शर्म हंदन से शर्म शी फारम करों मतलब, मतलब तो खोड में मे एम कॉम कर लड़क शी फारमिंग कर मतलब गिजन क्या तथा पर्व लरबर शी फारम बिजन खास है जो मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि ये जो आपका फ्लॉक्स फ्लॉक होता है ना ये एक तरह का जो है वह एम में कैश होता है तो ये ये साल पे सात इन तुलान तो कनान और अलहमदल वित फ्द सूचा उस तेह लिंग गा तब लम्बिंग क्या लम्बिंग मतलब क्या गिना पुरोडक्शन सही मिशन मिशी मिशी इविज् कम्पियर्ड फार्मिंग मिशी इज इवज आ द मशीनरी ऑफ द फार्म फार्म मशीनरी झाँसा फार्मच मिशीरी प्रुडूस कर अिज प्रुडूस अैम्स तथा वनाना लैमिंग मतलब मिसाल के तौर पर अगर असि अन अगर अब मतलब फिफ्ट एवज आ मतलब फिफ्टी जो है फीमेल्स होंगे हमारे पास तो उसके बाद जो है अिटी उसडक्शन सो गिफ्टी प्लस यानी कि डबल आज गिफ्ट अिफ्टी यानी कि हंडरण ग गोलरे फिफ्टी तथा मेहो नु तथित तुझ्व पता वु क्या अगर अगर वो क्वो ना वो है, वो पे पास चाहे सब कह आम सब पेन अत वा इतान पुरसीजर फार्मिंग जन्नो सरक्र फार्मार फार्म पाई क्थपन की मगर बुस वा तिम याई से क्थपन क्या कहीं बनाना तन बाकी मज कराब तिम् है पता अड़ कल खराब से तम तेट लगवा आसमानन आसमान को जाने वाली रेट जो है मगर मतलब मेरा जो एक मकसद है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनशाल्लम मकसद क्या मन मकसद मन क्य शी इजी वीजी बनाव ज्यादा इजी बनाव मतलब सहु तुम ब्रौक बहुत मे दागस मा मतलब आइडिया शी फिंग मुत बिजने ये हम बिजनेस वातन यी फार्मिंग क्या गई ये सिर्फ पाई ब्रीड ब्रीडन ब्रीडर्स ये फार्मर ये फार्म सिर्फ मतलब कहना अगर अगर तिथो यहाँ शी फा तेल क्या मीट प्रोडक्शन सारे ज्यादा तेल क्या गई रनने वजह से ना

सू वन प मिसाल के तौर पर यह कपर कपरों समझे कैसे कंस सूट अंश ना गाँसा वह क्या वाला सब सत्त हत सूट वातोवे सो बना वे अगर वस्तु वोपेस पांच हाथ वो बचन बह शु पीस मंज स समझान यी अगर रेट कर जेनुन रेट करके साथ वन मुनसिब बया मैं ये मजदूर यू जानून यु द मैं युत जेन कसम ना कसम हवर ना कह क कसम पवान तु आसमाना रेट लगाना पस रुप पाँच शे सा साम कह पत्वा पत्व हवन पुतु खुदाई त वाला तमाम अम्बिया वालान यह गु बिजे गो पुन पान गार कान तश ग सू गागार गई ईमानदारी करू ना ये बिजन यह अम्बिया कार अव दुफन दल्चिया कर्मुत गो कारू कर ईमानदारी सो कह तम अमें बगर रू पल्ल तला कौरान पलरवान मालस तो उगरबल पे तो फोन है तेज दू नो नम्क गई वैन आई फार्म, फार्म नजर बटन फ्लोर से ठीक माना वसान तथ ना मतलब सटक मा गि जाए कह मोट अ करा कम्च समुत ना मे कर् फल जाए तो आव नुद पे झजिहन साबि पा गब रुपये अगर यहास मैरिनोम तृह तृह ताजी ताजी सु वा अगर मेरे पास आओगे मैं टटी थड़ में दे दूंगा अल्लाह पाकिदा हमारे पास जो है वह uh, कुरबानी के लिए वो शिप्स भी एवेबल है और आम इंसान हेक ना मिडल क्लास नफर हेक ना आप कर देख सकते हो माशाल माज कट अगर ये बेई तो, बेई तो अगर यु हूं ना कहें पांच तरह सास्त सी एस मेरे पास आपको मैं ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज दूंगा आप देखिए ये हमारा जो हमारे प्रेगनेंसी इवेस होते हैं ना

यह ये ये अगर तुम वो कार्केटस ये दिनों तु सह पर्स रुपये अगर अमाम दिन बहुत तरह फार्मिंग करें मे नहन सौन रंग यद आसान कहरीब्स वन बह बहुत करा कौर्बान मे पस अगर कं टायप नफर से सहुन कंटेक्ट मे सब मे फ फेसबुक पेजस पे कर मैसेज या इंस्टाग्राम आई डी बहुत ड्रपशनस मे दि तथ करें मैसेज अगर तम टायप नफरत क्यों करो तुम मतलब अगर नजट तूत कह पोविड कर इना अगर तक मतलब खॉ से बहु मेरी कर्बानी करें तो यू बहुत अगर बहुत वुहन सान पंहन संद अगर यु नफर क्रुव सो यह जो अभी फ्लॉक है मारा यह इन इन इनकलूड हम दौर रखर्ये वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो भी आने वाले। मैंने वीडियोस में कहा था पिछले ब्लॉग में क्या अगर दो ही दिन धूप निकलेगी तो ग्लास जो है मतलब चेरी जो है वो अपना कलर जो है तेजी से बदलेगी और आप देख सकते हो बहुत ही तेजी से अपना कलर जो है वो बदलती है जब धूप निकले वह लूख फारूक दिल गए आज वन फारूक पूरी वजह क्या उस? जी न

तो भाई बोन पाते हैं पतेने नशा में नासा घसून गैर की देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग हम भी देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है फारूक और वस्ता यहाँ पे कुछ खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ पे गैज आप देखिए माशाल्लाह। ऐसे व्यूज कौन दिखाएगा आपको बस मैं दिखाता हूँ सो तो प्यार दीजिए चैनल को बस प्लीज़ आप में से जो एक्सपर्ट्स हो गए ना क्योंकि मतलब मुझे तो अभी दो साल हुए हैं आर्मी को और अलहमदिल्ला जितनी नॉलेज है काफ़ी है मतलब मैंने जितनी नॉलेज है मैं मतलब अभी भी समझ सकता हूँ कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है पर जो जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो प्लीज़ रिकमेंड करें कि जब जो आ, फीमेल होती है ना वो बच्चा देती है तो उसके बाद उसको कौन सा डाइट देना चाहिए वो अभी उसमें थोड़ा कच्चा हूँ मैं सो जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सा डाइट जो है वो बेस्ट रहता है ताकि मैं अपने जो फीमेल्स जो है उनको दे दूँ फार्मिंग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना इसके लिए लाखों करोड़ों में कुर्बान करता हूँ अल्लाह की कसम बाकी मतलब बोलेंगे कि क्या है ये वो वगैरह वगैरह आप देख सकते हो पीछे क्या है ऐसा ही व्यू के लिए और मुझे पसंद है ये व्यूज और इन पहाड़ों के लिए ऐसे नज़ारों के लिए या अपने फॉर्म के लिए मैं लाखों करोड़ों कुर्बान करता हूँ अगर मेरे पास करोड़ों हो होंगे ना करोड़ों अरबों रुपए होंगे तो मैं फिर भी अपना जो लाइफ है वो चेंज नहीं करने वाला मैं फिर भी एक शी फार्मर ही रहने वाला हूँ क्योंकि शी फार्मिंग से जितना मुझे सुकून आता है ना उतना सुकून किसी भी चीज़ में मुझे नहीं आता और ये नेचर के साथ मुझे कनेक्ट करती है और नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पहाड़ों पे रहना पहाड़ों पे जाना वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो अगर मेरे पास होंगे तो फिर भी मैं शी फार्मिंग करना नहीं छोड़ूंगा फिर भी मैं एक शी फार्मर ही बनूंगा क्योंकि जो सुकून इससे मिलता है ना और इससे जो है वो अपने दिन जाता है इंसान मतलब अच्छे अल्ल्ह सौरब इंसान हासिल कर सो कहान जाना मतलब वह लु मे एक्सप्लें करोरत क्याये बन कह मुफ्ती या मौवी कीज तीन लुख वन वे मतलब एफ बी मौवी वगैरह वगैरह से वन आज टॉन्ट स्मारा तो ये वन बह कह अल्लाह तु वन पोज ये इंसान से नैचुर से फार्म सर इंसान आटोमेटिकली जो है अपने दीन की तरफ जो है वो ज्यादा ज़्यादा से ज्यादा जो है वो तवजह देता और इंसान से मुताल करस मज् मुताल ये वह इन न पाई मुताल काना मुताल मीज रीडिंग ऑफ इस्लामिक बुक्स कुरान वगैरह हदीस वदीस वदीसम्शन तिन चीजन से लगान मज् पानेस पोम जाना यु जो तुम मान बेहतर तो अभी जो है वो चलते हैं हम नहीं। गी बात तो नहीं है तो यार बाइक में हैस बात पूरा है ये चला काला स्ट्राइडर सेल्फ भाई साहब मुझे बहुत बार देखा होगा एनफील्ड पे और ये जबरदस्त बाइक है एनफील्ड से बेहतर बाइक ये हीरो हीरो हांडा हमारे बचपन की सुपर बाइक थी ये